2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सारी पार्टियां जोर शोर से तैयारी में हैं। एक तरफ जहां कर्नाटक चुनाव में बड़ी हार के बाद मोदी विदेशी दौरे पर हैं, देश का नाम विदेश में अब गूंज रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो मोदी को बॉस तक कह दिया। वहीं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने तो उनके पैर तक छू लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सेलिब्रिटी सारा टॉड मोदी की पर्सनालिटी पर फिदा ही हो गई। मोदी जहां गए वहां मोदी मैं हो गया। इतना भव्य स्वागत कि हर जगह भारत का नाम गूंज रहा है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है। तो वही राहुल गांधी ट्रक में सवारी कर रहे हैं, देश के लोगों की परेशानी जान रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता तो हमने हाल ही में देख ली, लेकिन राहुल गांधी भी लोकप्रियता की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी खुश तो होगी ही, लेकिन कांग्रेस की उम्मीद और बढ़ जाएगी जिसकी वजह से बीजेपी शायद सतर्क हो जाए। रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ वो बताएं, उससे पहले आपको याद दिला दें कि 2014 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पप्पू के नाम से नवाजा जाता था। उनके भाषणों के चलते उनका मजाक उड़ा, लेकिन करीब 9 साल बाद अब राहुल गांधी बदल गए हैं। अब उनकी छवि भी बदलती नजर आ रही है। राहुल गांधी की छवि में बदलने का श्रेय सबसे बड़ा भारत जोड़ो यात्रा को जाता है, जिसके बाद राहुल गांधी ने खुद ही कहा था, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं मेरे माइंड में, है ही नहीं। तो ये है राहुल गांधी जो पहले से अब ज्यादा बेबाक हैं और एक्टिव भी हैं। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए उतर सकते हैं, जिसकी शुरुआत अब जोर शोर से हो रही है। कर्नाटक चुनाव की हार के बाद जहां विपक्ष कह रही थी कि मोदी लहर अब खत्म हो गई है, तो तीन विदेश दौरे पर मोदी ही मोदी गूंज रहा है। ये लहर नहीं है तो क्या है? अब अगर ये साक्ष्य के तौर पर नहीं देख सकते तो ये रिपोर्ट देखिए। लोक नीति, CSDS और NDTV ने सर्वे के जरिए ऐसे कई सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। जनता की राय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, साथ ही देश के सबसे बड़ी पोस्ट के लिए वह लोगों की पहली पसंद भी हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल को 9 साल हो रहे हैं और ऐसे में सर्वे के जरिए जनता का मूड भांपने की कोशिश की गई। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद 19 राज्य में 10 से 19 मई के बीच यह सर्वे किया गया है। कर्नाटक में करारी हार के बाद भी इस सर्वे से बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को कोई हिला नहीं सका है और पार्टी का वोट शेयर उसके साथ बरकरार है। सर्वे में शामिल करीब 43% लोगों ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली NDA को तीसरी कार्यकाल भी मिलना चाहिए, जबकि 38% लोग इसके विरोध में थे। 40% लोगों ने कहा कि अगर आज चुनाव हुए तो वे भाजपा को वोट देंगे। कांग्रेस को 29% लोगों ने वोट देने की बात कही है। 2019 में भाजपा का 37% वोट शेयर था, जो 2023 में बढ़कर 39% हो गया है। वहीं कांग्रेस का 19% से बढ़कर 29% हो गया है। खास बात यह है कि सर्वे में शामिल 43% लोगों ने कहा कि अगर आज चुनाव कराए जाए तो पीएम पोस्ट के लिए नरेंद्र मोदी ही उनकी पहली पसंद होंगे। हाँ, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं। 27% लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को अपनी पहली पसंद बताया। वहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों 4% वोट के साथ काफी पीछे हैं। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो उनके पक्ष में 3% और नीतीश कुमार के समर्थन में 1% लोग खड़े दिखे। पीएम मोदी का समर्थन करने वाले ज्यादातर लोग 25% उनकी भाषण शैली के कायल हैं। विकास के लिए 20%, हार्ड वर्क के लिए 13%, करिश्मा के लिए 13% और 11% लोग नीतियों के कारण मोदी को पसंद करते हैं। जब लोगों से यह पूछा गया कि 2024 में पीएम मोदी को कौन चुनौती दे सकता है, इसके जवाब में 34% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया, जबकि अरविंद केजरीवाल का नाम लेने वाले 11% थे। 5% लोगों ने अखिलेश और 4% ने ममता का नाम लिया। खास बात यह है कि 26% लोगों ने कहा कि वे हमेशा से राहुल गांधी को पसंद करते हैं, जबकि
15% लोगों ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को पसंद करना शुरू किया है। 16% लोगों ने कहा कि वे कांग्रेस नेता को पसंद नहीं करते। उधर 55% लोगों ने कई मोर्चों पर सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं बताया। करीब 38% लोगों ने कहा कि वे कुछ हद तक केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट हैं। वहीं 21% लोगों ने कहा कि वे बिल्कुल भी सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। इसके अलावा अगले सवाल के जवाब में 37% लोगों ने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों कानून के तहत काम कर रही हैं, जबकि 32% लोगों का कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लोक नीति CSDS ने 71 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 7202 लोगों के बीच यह सर्वे किया है। अब इस सर्वे के बाद राहुल गांधी खुश हो सकते हैं, लेकिन मोदी लहर अभी भी जारी है, जिसे कांग्रेस अभी भी पीछे चल रही है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।